ए वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस, क्लास 11, यूनिट 2, काइनेमैटिक्स। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। टुडे वी विल कंटिन्यू अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा आज हमें बेसिकली डिस्कस करना है, जो मेन टॉपिक है आपका वो है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए, पहले हम कुछ और डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर हम बात करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी लास्ट टाइम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? द वेक्टर विच हैज़ यूनिटी मैग्नीट्यूड एंड आर्बिटेरी डायरेक्शन। उसका आपका एक पर्टिकुलर कोई भी एक डायरेक्शन होगा और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? 1 होगा। उस वेक्टर को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ऐसा नहीं कि वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसका यूनिट वेक्टर वाई के एक्स अलोंग होगा। नहीं बेटा, जिस डायरेक्शन में वेक्टर है तो उसका जो यूनिट वेक्टर बनाओगे वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। ये आपके पास फॉर्मूला है ए कैप। ए कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए ओवर मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब समझाया गया था बेटा आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ ए का मतलब क्या बेटा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? याद है आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट का क्या करना है बेटा? स्क्वायर करना है, सबको ऐड करना है और ऊपर क्या लगाना है? स्क्वायर रूट। याद कीजिए, आई कैप, जे कैप और के कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। i कैप, j कैप एंड k कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। फॉर एग्जांपल, वेक्टर a गिवन है आपको i कैप प्लस 4j कैप। पॉइंट क्लियर है? ये गिवन है आपको, इसका क्या निकालना है बेटा? मैग्नीट्यूड। तो कैसे करोगे? i का कोफिशिएंट कितना है? 3। सो 3 स्क्वायर प्लस j कोफिशिएंट कितना है? 4। 4 स्क्वायर और के है नहीं तो 0 हो गया और ऊपर क्या लग गया बेटा? स्केयर रूट। सो 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर स्केयर रूट कितना हो गया बेटा? स्केयर रूट ऑफ 25। तो आंसर कितना आ गया? 5। हमें बनाना क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर बनाना है। सो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना है बेटा? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और उसका मॉड कितना है? 5। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप ओवर 5, ये क्या बन गया बेटा? यूनिट वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होंगे? जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? इक्वल होगा और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, उन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। मान लीजिए वेक्टर ए यहाँ पे है, ठीक है, और तो वेक्टर बी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी इनको क्या बोलेंगे आप? इक्वल वेक्टर बोलेंगे। बोथ वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दैट वेक्टर्स आर नोन एज इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट है बेटा आपके पास नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? मान लीजिए वेक्टर ए यहाँ पे आपको गिवन है। नेगेटिव ऑफ ए का मतलब होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो वेक्टर होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? नेगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, इट मींस माइनस ए को। सो किसी भी गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड तो बेटा इक्वली होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। उस वेक्टर को क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। एक सिंपल बात आप आगे से ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर के अगर आगे आपने नेगेटिव लगा दिया, जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है यहाँ पे और आपसे पूछा गया व्हाट इज द माइनस ए, तो इसका डायरेक्शन क्या कर देना बेटा? अपोजिट कर देना। पॉइंट क्लियर है आपका? मैग्नीट्यूड वही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? अपोजिट हो जाएगी। को इनिशियल वेक्टर, नाम से ही पता लग रहा है, दोज वेक्टर्स हैविंग इनिशियल पॉइंट इज सेम कॉमन, जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होगा सेम होगा उन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे बेटा? को इनिशियल वेक्टर। व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर?
एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। अगर दो वेक्टर है, अगर वो आपका सेम लाइन के अलोंग लग रहे हैं तो उन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे बेटा, कोलीनियर वेक्टर्स कहा जाएगा। कैसा वेक्टर कहा जाएगा, कोलीनियर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा, जो सेम प्लेन में लाई करेंगे। लोकलाइज वेक्टर क्या होगा, वेक्टर हैविंग इनिशियल पॉइंट इज फिक्स आर कॉल्ड लोकलाइज वेक्टर। जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है बेटा, फिक्स होता है, उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, लोकलाइज वेक्टर। नॉन लोकलाइज जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा। पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर देखिए बेटा, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है आपका ए, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट कुछ भी है, मान लीजिए एक्स वाई सपोज कर लीजिए, ठीक है, और वो यहाँ पे है ये पॉइंट, तो ये जो वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर। कोई दूसरा पॉइंट है बी मान लीजिए, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश, तो ये क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम ए टू बी। सो ए से बी जो वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम वेक्टर को राइट कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए ओ पॉइंट है ओरिजिन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना हो गया, जीरो जीरो जीरो, और ये कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ए ही पॉइंट मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, मान लीजिए थ्री डी में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये ओ ए वैक्टर लिखना है। क्या लिखना है बेटा, वेक्टर ओ ए, ओ ए, ओ से ए, ये वेक्टर राइट करना है। तो ये इसका फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल, तो इस फाइनल में से क्या करना पड़ेगा बेटा, इनिशियल को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसके साथ डायरेक्शन के लिए आई कैप लगेगा, वाई के साथ डायरेक्शन के लिए जे कैप लगेगा, और जेड के लिए डायरेक्शन के लिए के कैप लगेगा, क्योंकि आई कैप जे कैप और के कैप क्या थे बेटा, आपके पास यूनिट वेक्टर्स थे अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ओ एक्स माइनस जीरो आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो के कैप। पॉइंट क्लियर है, फाइनल में से क्या करना है बेटा, इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है, x के साथ i कैप लगेगा, y के साथ j कैप लगेगा, और z के साथ k कैप लगेगा। i कैप j कैप और k कैप क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब हम बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और बेटा इससे मिलता जुलता ही आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, जैसे ट्रायंगुलर लॉ है वैसा ही आपका पैरेललोग्राम होगा, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में चेंज है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम ध्यान से समझना, यहाँ पे है नहीं डायग्राम। मान लीजिए वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, ये ओ पॉइंट और ये मान लीजिए एम पॉइंट, और वेक्टर बी इधर है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड कीजिए, ये इनके बीच का एंगल कितना हो गया थीटा, ठीक है, इसको यहाँ पे आप कनेक्ट कीजिए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्या कीजिए, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट को बोल दिया एन और इसको क्या बोल दिया पी। सो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट क्या गया था वो समझने की कोशिश करना। इफ ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स, ध्यान से देखिए डायग्राम फिर से, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, तो ये ए रहा और ये क्या रहा बी, विच आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो साइड्स को रिप्रेजेंट, किसकी, एक ट्रायंगल को, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या है बेटा आर, वो क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। रिजल्टेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, और जो रिजल्टेंट होगा ना वो फर्स्ट के टेल से सेकेंड के हेड की तरफ जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा,
रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड की तरह हो जाएगा। स्टेटमेंट आया समझ में क्या कहा गया है? फिर से सुन लीजिए। ए और बी दो वेक्टर है जो कि टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मतलब उन दोनों की जगह जो काम करेगा एक वेक्टर, वो क्या करेगा, वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा और वो फर्स्ट के टेल से कहाँ जाएगा, सेकंड के हेड की तरफ जाएगा। ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो रिजल्टेंट होगा फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड की तरफ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे करते हैं। ट्रेंगल पी एम एन, ये ट्रेंगल आपको दिख रहा है, इसमें साइन थीटा लगाया है हमने, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा बेटा, ये पॉइंट पी है, इस ट्रेंगल की बात हो रही है, ये ध्यान दें, तो क्या होगा साइन थीटा पी एन बाई पी एन बाई एन पी। देखिए बेटा ये ट्रेंगल था आपके पास, ठीक है, डायग्राम में फिर से एक बार रीड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे था आपके पास वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, इसको आगे एक्सटेंड कीजिए, ये एंगल थीटा, रिजल्टेंट यहाँ पे जाएगा आर, यहाँ से क्या ड्रॉ किया बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये ओ, ये आपका एम, ये आप एन मान लीजिए, ये एम मान लीजिए और ये पी मान लीजिए, ठीक है। सो साइन थीटा आप लगाएंगे तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे पी एन और हाइपोटेन्यूज होगा आपका एन पी, ये एक्चुअली पी एम आएगा, यहाँ पे पॉइंट में मिस्टेक है बेटा, आप करेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस ट्रेंगल के अकॉर्डिंग चल लेना आप। अगर इसमें कॉस थीटा लगाएंगे तो एम एन और एन पी, ये सही है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट सही कर लेना, ये पी एम होगा, ठीक है, तो साइन थीटा हो गया पी एन बाई बी, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है बी, तो पी एम की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। इस ट्रेंगल में कॉस थीटा लगाएंगे तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस एम एन और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका बी, एम एन बाई बी, एम एन की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा। तो एक बार आपको इस स्मॉल ट्रेंगल में, इस वाले ट्रेंगल में साइन थीटा लगाना है और एक बार क्या लगाना है बेटा, कॉस थीटा। ओ एन की जो वैल्यू होगी बेटा, ये जो टोटल, ठीक है, ये आपका होगा ओ एम प्लस एम एन, दोनों का सम होगा, सो ओ एन कितना हो जाएगा यहाँ से ए प्लस बी कॉस थीटा, इस पॉइंट को आप एन ही बोलिए बेटा, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये पी एम और ये एन, ठीक है, तो इस ओ एन की बात हो रही है, जो ये ओ एन होगा ये ओ एम प्लस एम एन, इन दोनों का सम होगा। ओ एम की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपको दिख रहा है ये वेक्टर ए है और ये हमने निकाल रखा है बी कॉस थीटा, सो ओ एन आ गया यहाँ से ए प्लस बी कॉस थीटा। अब बड़े वाला जो ट्रेंगल हो ओ पी एन, इस ट्रेंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ये एंगल कितना मान लीजिए आपको बीटा मान लीजिए, ठीक है, इसमें लगाइए, तो ओ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन स्क्वेयर प्लस पी एन स्क्वेयर, ओ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वेयर प्लस पी एन, ओ एन की वैल्यू हमने निकाल रखी है ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वेयर प्लस पी एन हमने निकाल रखा था बी साइन थीटा का होल स्क्वेयर, होल स्क्वेयर को ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ध्यान देना ये बीच में प्लस नहीं आएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई में, क्योंकि ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वेयर ओपन करना है, तो ये बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, यहाँ से लास्ट टर्म
और ये जो सेकेंड टर्म है बेटा ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई है नॉट प्लस, तो यहाँ से बी स्केयर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ कॉस स्केयर और यहाँ साइन स्केयर, तो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये कितना हो गया बेटा वन आइडेंटिटी से। सो आर स्केयर इजिकल टू होगा आर स्केयर इजिकल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, आर चाहिए तो इधर क्या लग जाएगा बेटा रूट, तो ये क्या बताएगा बेटा आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, किसका मैग्नीट्यूड है बेटा ये रिजल्टेंट वेक्टर का। दूसरा हमें क्या चाहिए डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए जो ट्रायंगल आपका लास्ट एंगल उसी में क्या लगाना है आपको टेंजेंट बीटा, ठीक है, कौन से वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ओ पी एन में, ये एंगल क्या था बीटा, तो इसमें टेंजेंट बीटा लगाना है, ठीक है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर पी एन, बेस कितना हो गया ओ एन, सो ये हो गया पी एन की वैल्यू कितनी बी साइन थीटा और ओ एन कितना ए प्लस बी कॉस थीटा, सो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये क्या बताएगा बेटा डायरेक्शन बताएगा, और बेटा ये क्या बताएगा आपको मैग्नीट्यूड, और किसी भी वेक्टर के लिए एक दो चीज़ें तो चाहिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस, पहला स्पेशल केस है थीटा कितना है जीरो, थीटा जीरो होने का मतलब बताओ बेटा, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले रख दीजिए कॉस जीरो कितना होता है वन, सो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस जीरो ऊपर के आगे रूट, कॉस जीरो वन होता है तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिजल्टेंट कितना आया ए प्लस बी, मतलब क्या हुआ दो वेक्टर अगर आपके सेम डायरेक्शन में है, दो वेक्टर आपका सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाते हैं बेटा ऐड हो जाते हैं, कर दोगे बेटा, और दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे रिजल्टेंट उन्हीं के डायरेक्शन में जाएगा। सेकंड केस है थीटा कितना बेटा 180, 180 का मतलब क्या बेटा एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, कॉस 180 माइनस 1 होता है तो रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा यहाँ से ए माइनस बी, कॉस 180 माइनस 1 वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर जब आपके अपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, ध्यान रखना ज़्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट होगा, क्या करना है सेम डायरेक्शन जब दो वेक्टर होते हैं तो ऐड होते हैं, रिजल्टेंट उन्हीं की डायरेक्शन में जाता है और रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा में से कम, रिजल्टेंट ज़्यादा की तरफ जाएगा, ठीक है, यहाँ रिजल्टेंट मिनिमम आएगा। थीटा 90 का मतलब दो वेक्टर के आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा, तो वैल्यू पुट करनी और कुछ भी नहीं, कॉस 90 कितना हो जाएगा जीरो, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। और डायरेक्शन के लिए टेंजेंट बीटा क्या फॉर्मूला था बी साइन थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा, साइन 90 तो वन होता है कॉस 90 जीरो होता है, तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, सो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए। इसी तरह आप जर्नलाइज किसी भी एंगल के लिए सोल्व कर सकते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, 0, 180 और 90, जैसे आप 60 के लिए भी सोल्व कर सकते हैं, आप कॉस 60 रख दोगे 1/2 तो रिजल्टेंट आ जाएगा, इसी तरह क्या आ जाएगा बेटा डायरेक्शन, तो किसी भी एंगल के लिए सोल्व किया जा सकता है, ये ध्यान रखना, पॉइंट क्लियर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर जगह बार बार यूज होगा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है इफ़ देर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन द रिजल्टेंट विल रिप्रेजेंट थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, और रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड की तरफ जाएगा, पॉइंट क्लियर है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है मैग्नीट्यूड निकालने का, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ किया आपने टेंजेंट बीटा, इज इक्वल टू क्या था
बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है बेटा? तो ये आपका ट्रायंगुलर लॉ ऑफ